Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tutions where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tutions and your teacher, mentor and friend. Now, in this chapter we are going to cover the following topics. Introduction the basic concept of light reflection of light refraction of light image formation by mirrors image formation by lenses and power of lens आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर लाइट और उसके दो फिनोमेनास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है अब ऑप्टिक्स क्या होती है ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आगे चल के जब भी हम क्लास 11, ट्वेल्थ में इस फिनोमिना को पढ़ेंगे या लाइट से जुड़े हुए किसी भी फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑप्टिक्स सब्जेक्ट के अंडर आएगा सो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब हम लोग बात करते हैं लाइट क्या है। हैव एवर वंडर्ड वट मेक अस विजिबल एवरीथिंग अस हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें जो हमारे आस पास हैं ये कैसे देखने को मिल पा रही हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इट इज़ बेसिकली दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस विच आर विजिबल टू अस ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस की बात कर रहे हैं हम जो कि हमारी ह्यूमन आई के लिए विजिबल हैं या हमारी ह्यूमन आई ईजिली डिटेक्ट कर सकती है वी कैन गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल और आर्टिफिशियल ने दो तरीकों से हमें लाइट एनर्जी मिल सकती है अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन वाला पार्ट है इसका मतलब क्या है एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब जैसे कि हम लोग फोन पर जब एक दूसरे से बात करते हैं मोबाइल फोन पे तो वो किस कारण से पॉसिबल है क्या हमें कोई वायर्ड कनेक्शन दिखाई देता है नहीं देता है यानी कि हमारे एटमोसफियर में हमारे एनवायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर तक टावर्स जो हैं जो ये रोल प्ले करते हैं जिनके अंदर से ये फ्रीक्वेंसीज रिलीज होते हैं जिसके कारण हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ये जो चीज़ें हैं क्या ये हमें विजिबल है क्या हम इन्हें देख पाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी को भी फोन पे बात कर रहे हैं कुछ भी तो वो जो बात हो रही है वो दूसरे इंसान तक कैसे जा रही है क्या हम देख पाते हैं नहीं तो यानी कि ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो लाइट डिटेक्ट नहीं कर सकती यानी कि जो लाइट एनर्जी नहीं बता सकती और हमारी ह्यूमन आइज भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती सो बेसिकली लाइट सिर्फ वो पार्टिकल्स हैं या वो रेडिएशन हैं जो हमारी ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है अब हम लोग बात करते हैं दो अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच एमिट देयर ओन लाइट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं इन्हें हम सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं जैसे सन सन की अपनी खुद की लाइट है तो वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जैसे कैंडल जैसे लैम्प तो ये सारी जो अलग अलग चीजें हैं ये अपनी खुद की लाइट एमिट करती हैं इस कारण से इन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं वेयर एज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देअर ओन लाइट बट कैन रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन दैम दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट तो नहीं कर सकते यानी कि इनके पास खुद की तो कोई लाइट नहीं है बट ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और लाइट को स्कैटर कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मून मून के पास खुद की लाइट नहीं है मून इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट बट वो क्या करता है वो सन की लाइट अपने ऊपर लेके रिफ्लेक्ट करता है उसे आगे मिरर मिरर के अंदर भी खुद की कोई लाइट नहीं होती वो एक शाइनी सरफेस है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट नेचर ऑफ लाइट प्रॉपर्टीज क्या है लाइट एनर्जी की या लाइट एनर्जी का नेचर क्या है अब इस चीज को समझने के लिए हमें लाइट से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज समझनी बहुत जरूरी है अगर हम उन थ्योरीज को अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमें आसानी से समझ में आ सकती है सबसे पहले बात करते हैं लीनियर थ्योरी ऑफ लाइट अब लीनियर वर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना तो सिंपल सी चीज है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये हमने जूनियर क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और अ स्ट्रेट पाथ और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आ जाता है तो लाइट क्या करेगी इट विल कास्ट अ इफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द वे ऑफ लाइट इट मे रिफ्लेक्ट एंड कास्ट अ अडो फॉर एग्जाम्पल सन रेज जो सन रेज है वो हमेशा सीधी लाइट में ट्रेवल करती है और अगर उनके सामने जैसे हम आ जाते हैं तो हमारी शेडो कास्ट होती है जैसे कोई भी दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है उसकी शेडो कास्ट होती है जैसे लाइट फ्रॉम टॉर्च वो भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जैसे हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि अगर हम एक सीधी रोड से कैंडल uh, को देखें तो हम इजीली देख पाएंगे अगर वो रोड बेंट है तो हम लोग उस कैंडल से लाइट निकलती हुई नहीं देख पाएंगे सो दैट इज लीनियर थ्योरी ऑफ लाइट शेडो फॉर्मेशन शेडो फॉर्मेशन बेसिकली क्या है ये वो फिनोमिना है जब लाइट आके किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट पे गिरती है और उस ऑब्जेक्ट की शेडो हमें दिखाई देती है सो so, यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि ऑपेक शीट के ऊपर फ्लावर वास की शेडो बनाई दे रही है जो कि हमें उसके पीछे ऑप्टेन हो रही है वेर एज अगर हम लोग बात करें सनलाइट की तो सनलाइट के अंदर शेडो ऑफ अ पर्सन दिखाई दे रही है हमें जो कि सरफेस के ऊपर शो हो रही है दैट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट अब लाइट के ऊपर आगे और ज्यादा रिसर्च करने के बाद काफी सारे साइंटिस्ट ने यह क्लेम किया कि लाइट जो है वो वेव्स की तरह ट्रेवल करती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन और मूवमेंट लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए या मूव करने के लिए अब लाइट जो है वो सॉलिड सर्फेसिस के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है लिक्विड्स के अंदर भी कर जाती है एंड गैसेस के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है तो वो किस कारण से है लाइट जो है वो एक वेव का फॉर्मेशन ले लेती है और इजीली प्रोपोगेट या मूव कर पाती है वेव लेंथ ऑफ लाइट कैन बी अपू फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन टू एट इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन रेस्पेक्टिवली वेव लेंथ जो है लाइट की अलग अलग मीडियम्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है अब से जुड़े हुए क्या क्या फिनोमिना है जो लाइट में शो होते हैं सबसे पहला है डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन क्या होता है डायफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट वेन वेव एनकाउंटर एनी ऑब्स्टेकल इट इज नोन एज डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट अब हमने देखा कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है वेव्स के फॉर्मेशन में अब अगर इन वेव्स के अराउंड हम कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं अब ऐसे ऑब्स्टेकल जब बीच में आ जाते हैं तो लाइट क्या करती है अपने आप को बेंड कर लेती है अपनी डायरेक्शन को बेंड कर लेती है सो दैट फिना इज नोन एज डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस अच्छा अगर कभी आपने बबल्स देखे हो ध्यान से लाइट के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि बबल्स के अंदर कभी कभी स्पेक्ट्रम बनता है या विबग्योर बनता है जो रेनबो के जो आठ कलर हैं हमें वो दिखाई देते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है हम लोग ये मानते हैं कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है बबल्स जो हैं वो एक अलग मीडियम है और एयर जो एटमोस्फेयर है वो एक अलग मीडियम है वेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स मीट टूगेदर एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंस अब होता क्या है जब दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट वेव्स आके आपस में मिलती हैं दैट फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेयरेंस ऑफ लाइट अब ये कैसे पॉसिबल है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर बबल वाटर बबल के अंदर क्या होता है कि एयर के अंदर से हमारी जो लाइट वेव है वो वाटर बबल के अंदर एंटर करती है ऊपर से भी एंड नीचे से भी सो so, दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट वेव्स अंदर एंटर कर रही हैं और आपस में वो जब जुड़ रही हैं तो वो एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं दैट फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस अब अगर हम क्लियरली कभी ऑब्जर्व करें तो बबल के अंदर हमें अलग अलग तरीके के कलर्स बेसिकली रेनबो जैसे कलर्स का फॉर्मेशन दिखता है वो इसी फिनोमिना की वजह से होता है थर्ड फिनोमिना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच शोज इट्स रिलेशन विद ट्रांसवर्स वेव्स पर पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑफ मोशन वेव्स इज पोलराइजेशन अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लाइट वेव्स का सोर्स कुछ अलग है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के रस्ते में आ गई जिसके कारण कि वो लाइट क्या हो रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन डिफ्लेक्ट हो रही है अब वो डिफ्लेक्शन के कारण जो हमारी आंखों को दिखाई देता है दैट फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव्स परपेंडिकुलर बनती हैं फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर द सोर्स ऑफ लाइट इज वो उस फिना को पोलराइजेशन बोला जाता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायोलेट रेज लेंस यूवी रेज वाले जो लेंजेस होते हैं वो इसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं जनरली क्या होता है कि जब उस लेंस के बाहर की तरफ अगर हम देखें तो हर तरीके के रेडिएशंस वाली जो लाइट्स हैं वो आ रही होती हैं लेकिन जब हम उसके अंदर की तरफ देखेंगे यानी कि लेंस के दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वो लाइट जो है वो रेज uh, जो है वो पोलराइज हो जाती है यानी कि उनके अंदर से जो अल्ट्रा वायोलेट रेज है जो हार्मफुल रेज है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती सो दैट फिना इज नोन एज पोलराइजेशन अब हम लोग बात करते हैं तीसरी थ्योरी ऑफ लाइट की पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का क्या कहना है नाम पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली ये कहती है कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बट बहुत तेजी से अब जो दो फिनोमिनास की हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों पार्टिकल थियोरी ऑफ लाइट का ही पार्ट है बट चीजें तो अभी भी क्लियर नहीं हुई कि लाइट एग्जैक्टली है क्या वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या फिर पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो इस चीज का जवाब काफी सारे सालों के बाद साइंटिस्ट ने ये निकाला क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल थ्योरी ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर है ड्यूअल नेचर मतलब डबल नेचर इट एक्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ वेव एज वेल एंड पार्टिकल एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जिस भी सिचुएशन में लाइट एग्जिबिट हो रही है वो अपनी प्रॉपर्टीज उस हिसाब से ही एग्जिबिट करती है वो वेव्स के फॉर्मेशन में भी हो सकती है और वो पार्टिकल्स के फॉर्मेशन में भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन